श्री सद्गुरु महाराज की प्रातः स्मरणी अनंत श्रीभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन गुरु गोविंद सिंह की महानता इस प्रवचन का प्रथम भाग महर्षि में ही सतसंग सुधा सागर बंद गुरु पदक कृप सिन्धु नर रूपरी मोहतम पुन जा रविकरणिक धर्मानुरागिणी प्यारी जनता मेरे कहने का विषय ईश्वर भक्ति है ईश्वर भक्ति के लिए पहले ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए ईश्वर स्वरूप को जाने बिना आप उसी तरह चलिएगा जिस तरह किसी को निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं है और वह चलता हो ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान से पड़े है इंद्रिय ज्ञान में जो आते हैं वे किसी न किसी तरह नाशवान है गो गोचर जह लगी मन सो सोशव माया जा भाई इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है शव माया है दूसरी बात यह है, याद कीजिए कि अपने राजत्व काल में श्री राम ने प्रजा को बुलाकर अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी थी श्री राम के राज को लोग आज भी बहुत अच्छा कहते हैं अति उत्तम राजनीति बनाकर प्रजा को सुखी करना ही श्री राम का काम था उन्होंने सोचा कि प्रजा इस संसार में तो सुखी है ही शरीर छूटने के बाद भी ये सुखी रहें दुखी ना हो इसलिए प्रजा को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी थी एक बात और हुई होगी कि श्री राम तो राजनीतिज्ञ थे राजनीतिज्ञ ही नहीं वे राजनीतिज्ञों के आचार्य थे जो बातें तुलसीकृत रामायण या वाल्मीकि रामायण में अयोग्य जंजती हैं हो सकता है वे क्षेपक हों राम ने सोचा होगा कि प्रजा को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहें लोग समझते हैं कि अर्थहीन बहुत दुखी होता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही लोग अर्थ के लालच के कारण ही चोरी डकैती बटमारी बेईमानी लूट आदि क्या करते हैं ज्ञान सरोवर में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते थे एक दिन एक ब्राह्मण एक थाली चुरा ले गए खोज करने पर पता चला कि अमुक ब्राह्मण ने थाली चुराई है चोर को दंड मिलना चाहिए किंतु ब्राह्मणों के अदंडीय होने के कारण उन्हें दंड दिया जाए तो कैसे युधिष्ठिर असमंजस में पड़े थे इस न्याय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा बलि के पास जाने की अनुमति दी भगवान को साथ लेकर महाराज युधिष्ठिर राजा बलि के पास गए और उस ब्राह्मण के सोने की थाली चुराने की बात कही राजा बलि बोले कि तुम्हारी प्रजा धनहीन है इस इसलिए चोरी करती है यह दोष तुम्हारा है तुम अपनी प्रजा को पूरा धन नहीं दे सकते तुम अपनी प्रजा को पूरा धन दो तो फिर कोई प्रजा चोरी क्यों करेगी इस प्रकार आप धन देकर प्रजा को सुखी कर सकते हैं राजा लोग ऐसा ही करते थे कि उनको पूरा धन देते थे जिससे वह चोरी डकैती आदि नहीं करती थी लोग झूठ बोलकर धोखा देकर ठग कर किसी न किसी तरह पैसा खींच लेते हैं यह सब तो आप लोग जानते ही हैं मगर गैर वाजिब नहीं लेना चाहिए यदि कबीर साहब के समान खड़ा निर्लोभी हो तो ठीक है उनका एक दोहा सुनिए कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए पाँच टके का दो पटा सात टके को जाए कबीर साहब कपड़े बिन बिन कर बेचा करते थे एक दिन वे एक चादर लेकर बाज़ार में बेचने गए और उस चादर का मूल्य उन्होंने पाँच रुपये बतलाए ग्राहक उनसे तीन रुपये चार रुपये कहते थे अंत में वे चादर लिए हुए घर लौट रहे थे रास्ते में एक चतुर व्यक्ति से भेंट हो गई उसने कबीर साहब से पूछा क्यों चादर वापस ले जा रहे हैं कबीर साहब ने कहा हाँ यह चादर पाँच रुपये की है किंतु कोई पाँच रुपये देना नहीं चाहते चतुर्जन ने कहा मुझे यह चादर दीजिए मैं इसे बेचकर पाँच रुपये आपको दे दूँगा और इससे विशेष जो होगा उसे मैं ले लूँगा कबीर साहब ने कहा भाई मुझे तो पाँच ही रुपये चाहिए उस चादर को लेकर वह चतुर व्यक्ति बाजार गया और उसका मूल्य आठ रुपये सुनाने लगा किसी ने सात रुपये में उस चादर को खरीद लिया उस चतुरजन ने पाँच रुपये तो कबीर साहब को दिए और दो रुपये खुद रख लिए इस तरह यदि कोई कबीर साहब के समान शब्रदार और संतुष्ट सी है तो उसका भी गुजर बसर हो जाता है और जनता की निगाह में वह प्रतिष्ठा का पात्र भी समझा जाता है किंतु ऐसे आदमी कम होते हैं लालची की आंख संसार भर की दौलत से उसी तरह नहीं भरती जिस तरह ओस से कुआं नहीं भरता अनैतिकता से धन कमाना ठीक नहीं है चोर डकैत तो पहले यहीं पर पीटे जाते हैं और कचहरी में सजा पाते हैं यहाँ सांसारिक सुखों में ऐसी ही बात होती है धन अर्जन सांसारिक प्रबंध और राजनीति के साथ आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान व रूहानियत चैतन्यता व इलमी रूहानी कर दो जब एक लाख शील व सदाचार ऊंचा होगा तब आत्मज्ञान में ऊंची गति यानी रूहानी तरक्की होगी संसार में सदाचरण में बरतते हुए परलोक में भी ठीक ठीक कुशल से रहा जाएगा विषयी सदाचरण में बरतकर आत्मोन्नति पथ में चल नहीं सकता इसी से तुलसी कृत रामायण में श्री राम का उपदेश है यही तन कर फल विषय न भाई स्वर गहु स्वल्प अंत दुखदाई नर तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते ते शठ विष ले एक बार रास्ते में जाते जाते मुझको पंजवारा बाजार के कुछ सज्जनों ने कहा कुछ सुनाइए मैंने कहा समय नहीं है थोड़े में सब सुन लो राम रा, राजा शकल प्रजा राम व्यक्त रूप में इस धरातल पर नहीं है किंतु वे अव्यक्त रूप में हैं ही राजा का वचन मानोगे सुखी तो रहोगे नहीं तो दुखी रहोगे वह वचन यह है यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग और अंत दुखदाई स्वर्ग में भी सभी बराबर सुखी नहीं रहते कोई अल्प और कोई विशेष सुखी रहते हैं श्री राम कहते हैं वहां भी सुख थोड़ा ही है और अंत में वह दुख देने वाला है श्री राम प्रजा को विषय से विमुख करते हैं विषय से दूसरी ओर ले जाते हैं इल्म, विद्या रूहानी चैतन्य की ओर ले जाने के लिए उन्होंने नसीहत शिक्षा दी कि जो हवाश इंद्रिया में आने योग्य चीज़ें हैं उनको छोड़ो परवर दिगार को जानना चाहते हो तो हवाश के इल्म इंद्रिय ज्ञान से आगे जाओ इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में परमकोज गुरुदेव का यह प्रवचन अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन शिकलीगढ़ धरहरा पूर्णिया में दिनांक 26 बारह 1955 ईस्वी को अपराहन कालीन सत्संग में हुआ था श्री सदगुरु महाराज की जय